तो आज है मंगलवार और बज रहे हैं 4:45। जिस दिन भी मैं शैम्पू करती हूँ ना, ऐसा ही लेट हो जाता है। और ऊपर से आज जो है काम भी ज्यादा था, क्योंकि संडे को आप लोगों को पता ही हम लोग पिकनिक गए थे, तो उस दिन कोई भी काम नहीं हो पाया है। उसके बाद जो है सोमवार जो है थकावट इतना था, कुछ करने का मन ही नहीं किया। तो आज जो है पिकनिक गए थे, बेटी का जो है बहुत सारे कपड़े थे, संडे का काम मतलब जितना भी कपड़ा धोना था वो, कल का जो था काम वो, ऊपर से जो है कल उतना ज्यादा कुछ खाना नहीं बनाई थी, सिर्फ दाल चावल ही बनाया था। तो आज जो है खाना भी बनाना पड़ा, कुछ अच्छा खाना तो रोज ही बनता है, खैर आज जो है कुछ अच्छा बनाना पड़ा। ऊपर से कपड़े धोए, घर पो साफ किया और जो है शैम्पू भी किया। तो क्या है ना, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो अभी जो है 4:45 बजे मैं अभी अभी जस्ट नहाकर निकली हूँ। कपड़े धोए थे, आधा आधा जो उस तरफ मैं सुखाने के लिए देती हूँ वो दे दिया है। अभी जो है बहुत सारे कपड़े हैं, क्योंकि भूख लग गई है, तो खाने के बाद जो है इस तरफ कपड़े सुखाने के लिए दूंगी। और जो है कल क्रोफर से जो है सामान मंगवाया था, वो भी शायद कुछ ही देर में डिलीवरी होगा। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और आज जो है लंच में उतना ज्यादा कुछ नहीं बनाता, सिर्फ दो टाइप का भरता बना था, जो मेरे लिए है और बेटी के लिए बनाया था। दाल जो है वो बॉयल कर लिया था, और एक अंडा मैंने उसी के साथ बॉयल कर लिया है। तो बेटी जो है दाल और अंडे से खा लिए है, मैंने जो है अपने लिए भरता बनाया है। और रात के लिए जो है मटर पनीर जो है उसका वो भी बनाकर रख दिए हूँ, क्योंकि रात को सिर्फ इतना काम हो गया ना आज, तो थकान तो हो ही जाता है। तो रात को जो है सिर्फ रोटी बनाऊंगी तो हो जाएगा। तो अभी मैं पहले लंच कर लेती हूँ। तो जब तक मैं लंच कर रही हूँ, मैंने भरते में कौन सा भरता बनाया है और भरते की रेसिपी आप लोगों के लिए, मैंने जैसे मटर पनीर आज मन था वीडियो बनाने का, रेसिपी शेयर करने का, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं आज भरते की रेसिपी बना शेयर कर देती हूँ। और आगे किसी और ब्लॉग में जिस दिन मैं मटर पनीर बनाऊंगी उस दिन वो भी शेयर करूंगी। तो मैं लंच कर लेती हूँ, तब तक आप भरते की जो रेसिपी है वो देखते रहिए। तो अभी तैयारी चल रही है बैंगन भरते की। तो ये होल बैंगन है जिसको हमने बीच में से चीरा लगाकर और रोटी हम जिसमें सेकते हैं उसके ऊपर दे दिया है गैस में रोस्ट होने के लिए। तो ये रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है आगे हम बैंगन भरते की रेसिपी। और बैंगन जो है रोस्ट कर लिया है और छील लिया है मैंने। तो बैंगन भरते में जाने वाला है धनिया, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड ग्रीन चिली और चॉप्ड टमाटर। और यहाँ पर दूसरी तरफ बन रहा है जो हम कॉलीफ्लावर लाते हैं ना, उसके पत्ते की भरता, जो इसको, और पत्ता जो है हमने हाफ बॉयल कर लिया है, आप देख पा रहे हैं ये हाफ बॉयल है। और इस भरते में जाने वाला है सेम धनिया पत्ता, लहसुन और ग्रीन चिली, बस। तो ये सब हम देंगे, वो कॉलीफ्लावर का जो पत्ता है उससे। आप चाहे तो अगर भेज वेज से बनाना चाहते हो, आप बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। तो पहले हम ये भरता बना लेते हैं, बैंगन का भरता। और यहाँ पर हमने सरसों का तेल और नमक लिया है, और इस भरते में हमने नमक और हल्दी दिया है, और सब जितने भी थे धनिया पत्ता, लहसुन और चिली, वो सब हमने दे दिया है। अब थोड़ा सा पानी देकर इसको पेस्ट बना लेंगे। और कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है और पेस्ट यहाँ पर हमारा रेडी है। तो ऑयल गर्म होने के बाद ये पेस्ट हम कढ़ाई में दे देंगे। और जिस कटोरी में हमने, मिक्सी में हमने ये किया है ना पेस्ट, उसी को एक बार पानी से धोकर वो पानी भी इसमें देकर अब इसको जो है सुखाना है। और आगे हम जो है इसमें सिर्फ थोड़ा सा शुगर जो है वो ऐड करेंगे। और देख पा रहे हैं यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो गया है, और इसी टाइम पर जो है शुगर, या फिर मैंने जैगरी
जो है घर में था तो वो ऐड किया है, और पानी को सुखाएंगे और ये खुद ब खुद जो है एक डो बनता जाएगा। तो जब ये खुद ब खुद पूरा जमा होकर डो बनता बन जाएगा तो भरता जो है रेडी हो जाएगा। और बैंगन का भरता जो है वो ऑलरेडी हमने तैयार कर लिया है। तो ये रहा बैंगन का भरता, और ये है जो पत्ते का भरता हमने बनाया था वो। आप भी ये रेसिपी जो है ट्राई कीजिए। खाना खाने के बाद यहाँ पर जैसा मैं बोल रही थी कि कपड़े धोए थे आज, तो वही मैं सुखाने के लिए दे रही हूँ। और मैं जो है खिड़की में ही दे देती हूँ। यहाँ पर जो है रस्सी टंगाया हुआ है कपड़े धोने, अगर कम होता है तो यहीं पर मैं दे देती हूँ, या फिर अगर बड़े कपड़े होते हैं या फिर बेड कवर होता है तो छत में जाना पड़ता है। तो उसके बाद जो है बेटी को सुलाऊंगी, और बेटी को सुलाने के बाद अगर टाइम मिलता है तो बात करूंगी, या फिर शाम को आप लोगों से बात करूंगी। तो मिलते हैं आपसे आगे, वीडियो देखते रहिएगा। तो कपड़े सुखाते सुखाते जो है बेटी को सुलाना पड़ा और वीडियो नहीं हो पाया। तो हस्बैंड भी आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो उसके बाद हम लोग गए थे बाज़ार, क्योंकि हस्बैंड जो है बोल रहे थे आज बाज़ार चलो क्योंकि लेट होगा मेरा ऑफिस से आना इसके बाद। तो बाज़ार से आने के टाइम पर देखा कि मेला हो रहा है, तो बाज़ार से रिटर्न आने के बाद जो है थोड़ा मेला घूमने गए। भीड़ था थोड़ा बहुत और मन भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत ही शूट किया है और उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद जो हम घूमे भी नहीं और जल्दी मेले से भी वापस आ गए। मिल रहा है
बाहर से जो है मुझे ये कटोरी मिला, चार कटोरी का सेट है। बेटी ने शैम्पू रख दिया है, एक से वो खेल रही है, तीन कटोरी है यहाँ पर और बेटी एक से खेल रही है। और मैंने जो स्पून खरीदा है ना सूप का, वो इसी से मैचिंग ही खरीदा है। कटोरी उन्होंने चार दे दिया है, लेकिन हम तीन जन घर में हैं तो चार तीन ही स्पून खरीदा है, तो इतना ही। और आज जो है ब्रेकफास्ट खाते खाते मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। माँ खाबे अच्छा तो एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर किसी भी रीजन से अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।